हेलो 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 एवरीवन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चूँस दुरुस हो दुरुस्त और तंदुरुस्त हो दोस्तों आइए दस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा 250 क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे कल कर लेक्चर नंबर वन था उसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस किए थे दोस्तों और डेढ़ घंटा हम लोगों को लगा था अराउंड वन पॉइंट आवर्स और आप लोग तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो बिल्कुल ठीक है आप लोग भी मुझे जरूर बताइए ये लेक्चर आप हर लेक्चर मुझे बताइएगा

आइए आज कम आज कम टाइम लगने वाला है फटाफट फटाफट चीजों को हम लोग खत्म करते हैं हमारा चैप्टर नंबर है है ऑडिट 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 प्लानिंग एंड प्रोग्राम का ठीक है? इसके अंदर हम लोग दो चीजें कवर करने वाले हैं एक थ्री हंड्रेड है और इसके अलावा जो अदर कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कवर करने वाले दोस्तों आइए सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रीमरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मैं आप लोगों को बता दू आई कि अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स प्लानिंग एक्टिविटीज आती है और प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर दो चीजें आती है एक होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाना और दूसरा होता है ऑडिट प्लान को बनाना दोस्तों ऑडिट प्लान को बनाना आइए अब पीई ए क्या होता है एक्टिविटी इससे इससे पहले इस पहले कि कि हम लोग प्लानिंग का एक्चुअल काम शुरू करें हम लोग पीई ए परफॉर्म करते हैं प्रीमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी को दोस्तों हम लोग परफॉर्म करते हैं ठीक है इसमें तीन चीजें होती है बहुत सिंपल सिंपल सी इमेजिन करिए कि आपके सामने क्लाइंट आकर बैठा है और वो आपसे ऑडिट करवाना चाहता है तो इससे पहले कि मैं इससे पहले कि मैं उसकी प्लानिंग शुरू करूं हम लोग तीन काम करेंगे सबसे पहला पहला दोस्तों हम केयरफुली सोचेंगे कि भाई नया असाइनमेंट लेना है कि नहीं लेना है पुराना असाइनमेंट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है उसको बोलते हैं एक्सेप्ट प्रोसीजर्स हम लोग इसके बारे में सोचते हैं दोस्तों मैं देखता हूं कि भाई सामने वाला बंदा ऑनेस्ट बनता है ना इंटीग्रिटी वाला बंदा है चोर बंदा तो नहीं है बेवकूफ बंदा तो नहीं है

और फिर अगर ये तय हो जाए ये दो चीजें तय हो जाए तीसरा हम लोग आराम से बैठ के आमने सामने बैठ के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर को हम लोग साइन करते हैं दोस्तों तो दोस्तों प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब इससे पहले कि एंगेजमेंट की, की शुरुआत हो कुछ काम हमको करने पड़ेंगे तीन काम हमको करने पड़ते हैं पी ए के अंदर तीन चीजें आती है तो उसके अंदर तीन चीजें आती है आराम से बैठ के पहले सोचना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूंस का काम करे कि नहीं करे फिर हमको सोचना पड़ता है कि हम एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे और फिर तीसरा हम लोग को सोचना पड़ता है दोस्तों कि क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट लेटर अग्रीमेंट क्या होगा ये तीन चीजें आराम से बैठ के तय कर लेते हैं फिर हम लोग प्लानिंग की शुरुआत करते हैं ये तीन चीजें हमको प्लानिंग में बहुत मदद करती है दोस्तों आइए अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आपसे क्लैरिटी होगी कि प्रियमनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब क्या होता है सिंपल सी तीन बातें होती है एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता दू देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट बोल रहा हूं उसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है है लेकिन सिर्फ ऐसा है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया फिरा जा सकता है तो आराम से क्वेश्चन पढ़ने की आप आदत डाल लेना मेरे साथ में अगर लाइव लाइव आप करते जाओगे बहुत बढ़िया नहीं या फिर फिक्स टाइमिंग रख लेते हो लेकिन अगर डेली बेसिस पे लेक्चर देखोगे तो ये 250 फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे दोस्तों आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पे और एक डिस्कस स्टडी मटेरियल ट्वेंटी दोस्तों स्टडी मटेरियल ट्वेंटी के क्वेश्चन है सारे के सारे अगर स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री के क्वेश्चन है तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अब अगर हमको अगर हमको अगर हमको एथिकल और इंडिपेंडेंट रहना है एथिकल मतलब आपके पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है या इंडिपेंडेंट रहना है तो हमको क्या करना होगा ठीक है क्या करना होगा आइए दोस्तों मैं आपको जो मैंने क्लास में शॉर्टकट बनाया था एक चार्ट बनाया था वो मैं आपको बता रहा हूं ये जो नोट्स मैं आपको बताता हूँ जिसमें चार्ट है सब कुछ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों इट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन ठीक है अब सुनिए बहुत बहुत सिंपल है बहुत 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 सिंपल है है आसान अगर अगर आप आपके अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है कि मेरी टीम एथिकल रहे और इंडिपेंडेंट रहे एथिकल रहे मतलब पांच प्रिंसिपल्स को फॉलो करे सीबीआई ऑफिस हमको बताता है सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी सी फॉर कॉम्पिटेंस बी फॉर बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर आई फॉर इंटीग्रिटी ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियल रखना इन्फॉर्मेशन को अपना कॉम्पिडेंस नॉलेज को अपडेट करते रहना उसके हिसाब से केयरफुली काम करना प्रोफेशनल बिहेवियर लॉ का सम्मान करना ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता हो आई फॉर इंटीग्रिटीज रहना ओ फॉर रहना ठीक है इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पर्सनली फाइनेंशियली बिजनेसली प्रोफेशनली किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना क्लाइंट के ऊपर बींग इंडिपेंडेंट अगर आप आपकी टीम को एथिकल और इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मोटा मोटी अगर मैं बोलूं दोस्तों अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा आपको आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको अप्रोप्रियट एक्शन लेना होगा बस ये दो मोटा मोटी काम है अभी सबसे पहले हम देखेंगे एथिकल रहने के लिए क्या करना होगा और देखेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना होगा दोनों के अंदर मोटा मोटी वही बातें बोली हुई है दोस्तों आइए हमको एथिकल रहना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा अलर्ट रहना पड़ेगा और सभी टीम मेंबर्स पे हमको नजर रखनी पड़ेगी कि कोई भी मेंबर ठीक है कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी कि भाई सभी मेंबर्स एथिकल प्रिंसिपल जो पांच फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करे ना कोई उसके अगेंस्ट जा तो नहीं रहा सबके बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करती रहनी पड़ेगी जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है तो कोई कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक तो नहीं कर रहा ये हमको देखते रहना पड़ेगा ठीक है कॉम्पिटेंस को अगर बोलूँ तो सब लोग अपना अपना नॉलेज अपडेटेड रख रहे हैं ना ये हमको देखते रहना पड़ेगा हमको अलर्ट के जानकारी लेनी पड़ेगी कि जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो लोग एथिकल रहने के वो लोग एथिकल रह रहे ना उसकी जानकारी हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे कॉम्पिटेंस के लिए लेंगे उनके बिहेवियर के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे उनकी इंटीग्रिटी के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे उनके ऑब्जेक्टिविटी अनबायस रहने के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हमको एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों अगर हमको पता चला कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा हो सकता है हम उसको टीम से निकाल दे उसको फॉर्म से भी निकाल दे किसी ने अगर हमको पता चला कि कंपनी के साथ ने हेवी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लिए तो दोस्तों उसको हम रिवर्स करवाएंगे हमको लगता है कि कोई प्रोफेशनल बिहेवियर शायद नहीं करे

ठीक है ये नोट्स आपको चाहिए चैप्टर नंबर थ्री में नीचे दिया हुआ है वहां पर पीडीएफ जाके आपको देखना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के लिए भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों वापस हमको जानकारी लेनी पड़ेगी किस चीज की जानकारी लेंगे हम लोग हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे रिलेशनशिप्स की कि भाई इनके पर्सनल रिलेशंस है क्या फाइनेंशियल रिलेशंस है क्या बिजनेस रिलेशंस है क्या प्रोफेशनल बहुत ज्यादा रिलेशन है क्या रिलेशंस और कंडीशंस के हमको जानकारी लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा क्या इंडिपेंडेंस पे दबाव क्रिएट हो रहा है क्या शेयर होल्डिंग अगर है तो दबाव क्रिएट होता है बिजनेस रिलेशन है तो दबाव क्रिएट होता है पर्सनल रिलेशन तो दबाव क्रिएट करता है हमको ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी दोस्तों कि भाई किसी भी तरीके से प्रेशर थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या इंडिपेंडेंस के ऊपर फिर हमको और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि फॉर्म की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसका ब्रीच हो रहा है क्या जैसे फॉर्म की पॉलिसी है फॉर्म की पॉलिसी है कि किसी के पास में भी कंपनी के सौ शेयर्स के ऊपर नहीं होने चाहिए तो हम जानकारी लेंगे कि भाई किसी के पास सौ शेयर्स के ऊपर है क्या ब्रीच ऑफ पॉलिसी है क्या फॉर्म की पॉलिसी है कि कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा क्लाइंट से किसी ने भी गिफ्ट लिया है क्या सपोज आ, पांच हजार के ऊपर का गिफ्ट नहीं लेगा तो पांच हजार के ऊपर गिफ्ट लिया है क्या फिर हम जानकारी जानकारी पहले इकट्ठा करेंगे रिलेशनशिस्ट रिलेशन की कि कोई इंडिपेंडेंस पे दबाव तो क्रिएट नहीं हो रहा थ्रेट तो क्रिएट नहीं हो रहा फिर जानकारी इकट्ठा करेंगे कि फॉर्म की जो पॉलिसी है इंडिपेंडेंस की वो ब्रीच तो नहीं हो रही जानकारी लेने के बाद में हमको अप्रोप्रियट एक्शन लेना होगा अगर थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा वैसे ही स्टेप्स होंगे दोस्तों हो सकता है टीम से निकाल दिया जाए ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए जाए ज्यादा सुपरविजन और रिव्यू कर दिया बिल्कुल वैसे ही तो दोस्तों अगर मोटा मोटी आप देखोगे अगर आप चाहते हो कि टीम एथिकल रहे तो जानकारी इकट्ठा करो और एक्शन लो इंडिपेंडेंस में भी अगर आप चाहते हो कि टीम एथिकल रहे जानकारी इकट्ठा करो टीम की जानकारी इकट्ठा करो रिलेशन की जानकारी इकट्ठा करो कोई ब्रीच ऑफ पॉलिसी है उसकी जानकारी इकट्ठा करो और अप्रोप्रियट एक्शन लो अप्रोप्रियड एक्शन में वही बातें दोस्तों आती है ठीक है अगर आप कोई मामला रिजोल्व नहीं कर पा रहे तो आपको फॉर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पार्टनर लेवल पे जाना पड़ेगा कि हम रिजोल्व नहीं कर पा रहे प्लीज आप हमको हमारी मदद कर दो बस दोस्तों इतना आपको समझाना पड़ेगा इतना आपको समझाना पड़ेगा दोस्तों ठीक है आई होप आपके दिमाग में आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है देखिए स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन दोस्तों कि आप आपकी टीम को एथिकल और इंडिपेंडेंट कैसे रखोगे आपके सामने वो चार्ट आना चाहिए जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कैसे आप पहले एथिकल रहने के लिए जानकारी इकट्ठा करके एक्शन लेते इंडिपेंडेंस के लिए जानकारी इकट्ठा करके एक्शन लेते आप भी अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया ये फ्लो आपके दिमाग में बैठ गया आप हेडिंग लिखते जाएंगे आप ऐसे थ्री हंड्रेड का रेफरेंस देंगे उसका पूरा नाम लिखेंगे एक लाइन में उसके बारे में लिखेंगे फिर आप हेडिंग देंगे एथिकल रिक्वायरमेंट ठीक है हाउ टू कीप टीम एथिकल और उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बारे में बात करेंगे एक्शन के बारे में बात करेंगे इंडिपेंडेंस में भी आप सेम बात करेंगे दोस्तों तो प्यारा आंसर बन जाएगा आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे वर्ड टू वर्ड आप रट नहीं सकते दोस्तों वर्ड वर्ड टू आप रट नहीं सकते जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना अगर आप याद करके अपने मन से लिखोगे दोस्तों तो जबरदस्त आंसर बनेगा बहुत प्यारा आंसर बनेगा आइए दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं नाउ अगर मैं बात करता हूं ठीक है प्लानिंग के अंदर सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर सबसे पहले दोस्तों का हम लोग काम करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी

ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जब हम लोग बनाते हैं तो कौन से कौन से चीजों के लिए स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं इसमें राजस्थान सीआरपीएफ या एसआरपीएफ भी आप बोल सकते हो ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असाइनमेंट टू डिसाइड स्कोप टू डिसाइड स्कोप आर सेंड फॉर रिसोर्सेस हमको डिटेल्ड हमको डिटेल्ड रिसोर्सेस की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेस हमको टीम में कितने लोग लगेंगे कितने सीनियर लगेंगे कितने जूनियर लगेंगे कितने टाइम के लिए लोग लगेंगे कितने घंटे इनको काम करना होगा इसके इसका हमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ठीक है इसकी स्ट्रैटी हमको बनाना पड़ेगा दोस्तों आर सी बोलो कैरेक्टरिस्टिक या एस बोलो स्कोप फिर अगर फिर हमको असाइनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे कि लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है कि अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट है प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है पार्टनरशिप है इसको कौन से कौन से लॉ लगते हैं कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये नई कंपनी है कि पुरानी कंपनी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझने पड़ेंगे और हमको स्कोप तय करना पड़ेगा स्कोप मतलब हम लोग क्या चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं वो हमको तय करना पड़ेगा पूरा ग्रुप हमको चेक करना है किसी होल्डिंग चेक करना है होल्डिंग के सारे ब्रांचेस चेक करने हैं कि नहीं चेक करने हैं ये स्कोप में आता है दोस्तों हम लोग इंटरनाटों की मदद लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी स्कोप में आता है क्या चेक करने वाले हैं और कैसे चेक करने वाले हैं टेस्ट ऑफ ज्यादा करने वाले है कि सब्सटेंटिव ज्यादा करने वाले ये ये भी भी हमको तय करना पड़ता हैंजी में आता है तो आर फॉर रिसोर्सेज की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी फिर आपका एस फॉर स्कोप कैरेक्टरिस्टिक समझ कर स्कोप की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी क्या चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे फिर आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी हम बनानी पड़ेगी कितने रिपोर्ट्स हम लोग इशू करने वाले हैं कब कब ये रिपोर्ट इश्यू करने वाले हैं किस फॉर्मेट में हम लोग रिपोर्ट इशू करने वाले हैं इसकी स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी कम्युनिकेशन टीम के अंदर कितना कम्युनिकेशन होगा टीसी के साथ में कम्युनिकेशन कब होगा बाकी ऑडिटर्स में कम्युनिकेशन क्या होगा इसकी स्ट्रेटेजी भी हमको बनानी पड़ेगी फिर उसके बाद में पीस एंड फॉर प्रीमरी एंगेजमेंट एक्टिविटी प्रीमरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में जो बातें हम समझ कर आए सीख कर आए देख कर आए उसके बेसिस पे भी हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सपोज वहां पे हम लोग देख कर आए कि यार इनका जो एक बंदा है इनका लीगल हेड बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है ऐसा हमको पता चला तो स्ट्रैटेजी में लिखना पड़ेगा लीगल हेड से जो भी जानकारी मिली उसके ऊपर कभी भी रिलाय मत करना डायरेक्टली जब तक आप किसी और एविडेंस से उसको कोराबोरेट नहीं कर लेते मैच नहीं कर लेते

ऑडिटर्स जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी में हम कौन से के लिए को बनाते हैं है. फिर हम लोग स्कोप तय करते हैं कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद में फिर हम लोग रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं एंगेजमेंट एक्टिविटी की हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते स्ट्रैटेजी uh, बनाते हैं फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसका अफेक्ट होता है एफर्ट्स पे उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं तो आपको जब भी क्वेश्चन आए फैक्टर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इसके बारे में दोस्तों नवंबर 23 आरटीपी में नवंबर 23 आरटीपी में यह पूछा हुआ है दोस्तों इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखना जरूर ख्याल रखना आपने अगर रैपिड रिवीजन किया है तो बहुत बढ़िया रैपिड रिविजन अगर आपने दोस्तों अगर नहीं भी किया है तो सीधा आप इसको अटेंड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हम लोग बात करते हैं अगर देन इफ इफी टॉक आपके एक 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 जो भी हम लोग राजस्थान एस ठीक है राजस्थान एस आर पी एफ पांच चीजों की हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एक एक के अंदर हम लोग जा सकते हैं और डिटेल में एक एक के अंदर हम लोग और डिटेल में अंदर जा सकते हैं दोस्तों अब यहां पे बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है उसके बारे में जरा और बातें बताइए नवंबर 23 आरटीपी में ये आया है उसके पहले मे ट्वेंटी थ्री में था नवंबर ट्वेंटी मॉक में था नवंबर नाइनटीन एग्जाम में था अब मैं आपको बता दू इसका छोटा सा चार्ट है इसका छोटा सा चार्ट है आ जाइए दोस्तों थोड़ा सा इसका चार्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन ठीक है रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन आइए देखिए सिंपल सा चार्ट आपके सामने है या तो ये नोट्स आप डाउन करके देख लेना या फिर आप इसको लिखना चाहते हैं लिख लेना बहुत सिंपल सी बात है हमको सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन की हमको कम्युनिकेशन की हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी हमको नोट करना पड़ेगा नेचर हमको नोट करना पड़ेगा वी नीड टू मेक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कि भाई कब कब हम लोग मीटिंग करेंगे कब हम लोग मीटिंग करेंगे किससे हम लोग मीटिंग करेंगे पीसीडब्ल्यू जी मैनेजमेंट से टू डिस्कस नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ वर्क जो भी हम ऑडिट का, का काम करना चाहते हैं उसका ए, उसका एक ओवरव्यू उसका एक ओवरव्यू हम लोग उनको बताएंगे कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं आपके कोई विचार आपका कोई इनपुट होगा वो भी आप दे दो भाई आप अवेलेबल हो कि नहीं आप ये हमको हेल्प कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आपकी कोई रिक्वेस्ट है ये टाइम पर आए ये टाइम पे ना आए तो आपको स्ट्रैटेजी में लिखना पड़ेगा कब हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा किससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा मीटिंग्स लेनी पड़ेगी रिगार्डिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ वर्क फिर हमको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दूसरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी कि भाई स्टेटस ऑफ द वर्क हमारे टीम में से कौन से लोग स्टेटस ऑफ द वर्क डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ में ठीक है ये डिस्कशन क्वार्टरली ये डिस्कशन फोर्ट बेसिस पे होगा मंथली बेसिस पे होगा क्वार्टरली बेसिस पे होगा ये भी हमको तय करना पड़ेगा तो हमको कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उसमें मीटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इनिशियल मीटिंग्स कब होगी किसके साथ होगी कौन करेगा और स्टेटस की मीटिंग्स कब होगी कौन होगी किसके साथ कौन करेगा फिर हमको रिपोर्ट की स्ट्रेटजी हमको बता स्ट्रैटेजी में लिखना होगा नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितनी रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी जैसे बैंक ऑडिट में बहुत सारी रिपोर्ट्स देनी पड़ती है फिर उसका फॉर्मेट क्या होगा नंबर ऑफ रिपोर्ट्स क्या देनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा हमको यह भी डिस्कस करना पड़ेगा कि उसका टाइम टेबल क्या होगा तो दोस्तों हमको कम्युनिकेशन की स्ट्रैटी बनानी पड़ेगी और हमको रिपोर्ट की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसको अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा एक दो पेजेस में जो स्ट्रैटेजी बनी है उसके हिसाब से हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ में उसके हिसाब से हमको रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी दोस्तों तो रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बस यही बातें वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर ये चार्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो आप एक एक लाइन में उसको लिख सकते हैं दोस्तों

ये लोग डिटेल में ले गए दोस्तों डिटेल में ले गए कि भाई रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन है उसके बारे में आप और बताइए और बताइए ये सारी चीजें हम लोगों ने वो प्यारे से छोटे से चार्ट में हमने कवर कर ली उतनी बातें भी अगर आपने याद कर ली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ऐसा सेंटेंस बाय सेंटेंस याद रखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों उसको याद रखना आसान है और अपने ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेंटेंस बाय सेंटेंस आप रटने जाओगे तो जिंदगी झंड बन जाएगी और आपको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सो प्लीज डोंट डू दैट आइए

बताइए उसकी स्ट्रैटेजी बताइए उससे रिलेटेड बातें बताइए ठीक है हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहते हैं उसकी स्ट्रैटेजी बताइए तो जब भी वो लोग ऐसा बोले ओवर देखो एग्जाम क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो ऊपर के फैक्टर्स बताने पड़ेंगे राजस्थान एस के लेकिन जब वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के साथ में रिसोर्सेज का शब्द जोड़ दे रिसोर्सेज के बारे में बोलने लग जाए तो आंसर बदल जाता है दोस्तों इधर का उधर लिखोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे ठीक है आइए

कितने लोग लेंगे उसमें कितने लोग लेंगे उसमें कितने सीनियर्स होंगे, होंगे कितने जूनियर्स होंगे कितने चार्ट अकाउंट्स होंगे कितने उसमें आपके आर्टिकल्स होंगे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा उसका एक्सपीरियंस क्या होगा कितने दिनों के लगेंगे दो दिन चार दिन पाँच दिन कौन सा बंदा कितने दिनों के लगेगा कितने नंबर ऑफ आवर्स ये भी सोचना पड़ेगा भाई ठीक है इतने लोग लगेंगे ठीक इसमें आपको कितने लोग लेंगे उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा फिर आपके जो स्पेसिफिक एरियाज है स्पेसिफिक एरियाज भाई ये ये हाई रिस्क एरियाज है इसमें कितने लोग लगेंगे कितने दिनों के लिए कितने घंटों के लिए इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था हाई रिस्क एरिया उसके बाद होता है इन्वेंट्री काउंटिंग तो उसको मेरे को सीक्वेंस बड़ी प्यारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट रिस्की एरिया होते हैं इसलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिस्की एरियाज के लिए कितने लोग लेंगे कितने समय के लिए इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए कितने लोग लेंगे कितने समय के लिए फिर इसके अलावा अदर अगर आपको अदर ऑडिटर्स आपके जो ब्रांच के ऑडिटर्स होते हैं या सब्सिडी के स्टैंड स्टैंडलोन में आपके ब्रांच के ऑडिटर्स या कंसोलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडी के ऑडिटर्स उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए उनका काम रिव्यू करने के लिए कितने कौन लगेगा कितने लोग लेंगे कितने समय के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कितने लोग लेंगे वो भी आपको नोट करना पड़ेगा ओवरऑल कितने लोग लेंगे वो भी नोट करना पड़ेगा स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कितने लोग लेंगे वो भी नोट करना पड़ेगा अलोकेशन ठीक है फिर आप एक बार आपको लोग तय हो गए भाई इतने इतने लोग लगेंगे इसके एक्टिविटी इतने दो फिर उसके बाद में अलोकेशन कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा वो भी आपको स्ट्रेटेजी में लिखना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्सपीरियंस लोगों को आप रिस्की और कॉम्प्लेक्स एरिया में दे दे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है यहां पे ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि भाई एक्सपर्ट ऐसा बंदा जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स है अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग वो कौन सा काम करेगा एक्सपीरियंस बंदों को और एक्सपर्ट को हम रिस्की एरिया कॉम्प्लिकेड एरिया में लोकेट करेंगे

Uh, साल खत्म होने के पहले दिसंबर तक के पूरे नौ महीने हम लोग चेक कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंट्रीम स्टेज तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम साल के बीच में जा साल के बीच में कभी साल खत्म होने के पहले दिसंबर एंडिंग सितंबर एंडिंग में हम लोग जाते हैं और वहां तक के पूरा काम चेक कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंट्रीम इंट्रीम मतलब बीच में इंट्रीम स्टेज पे जाकर कितने लोग लगेंगे कौन कौन लगेंगे कितने समय के लगेंगे फिर कट ऑफ डेट मतलब जो फाइनल डेट है बैलेंस शीट डेट है वापस वहां पे जाना पड़ेगा कितने लोग लगेंगे कितने टाइम के लगेंगे इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बनानी पड़ेगी टाइमिंग को लेकर कब कब कितने कितने लोग हमको लगने लगनेंगे फिर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरी टीम आ गई लेकिन उनको बराबर मैनेज नहीं कर रहे तो आउटपुट निकल के नहीं आएगा क्वालिटी निकल कर नहीं आएगी यहां पे आपको तय करना पड़ेगा कि टीम को कौन मैनेज करेगा डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू का काम कौन करेगा कौन टीम को डायरेक्शन देगा समझाएगा क्या करना है कैसे करना है कहां पर ध्यान देना है कहां पर ध्यान नहीं देना है डायरेक्शन का काम कौन करेगा जनरली एंगेजमेंट पार्टनर करते हैं हर हफ्ते जाके सुपरविजन का काम कौन का करेगा जब जूनियर काम खत्म कर ले तो रिव्यू कौन करेगा सीनियर का रिव्यू होने के बाद मैनेजर का मैनेजर लेवल का, का रिव्यू कौन करेगा एंगेजमेंट पार्टनर लेवल का रिव्यू कब होगा कैसे होगा तो आपको ये भी स्ट्रेटेजी पर... रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी मैनेजमेंट में आप डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू से रिलेटेड आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ई बहुत सिंपल सा है चैप्टर नंबर इलेवन में हम लोग पढ़ते हैं एक नॉन टीम मेंबर को अपॉइंट किया जाता है कि तू मेरा काम देख ले सब बराबर काम तो हो रहा है ना क्वालिटी काम हो रहा है ना उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो उसकी भी स्ट्रेटेजी हमको लिखनी पड़ेगी कि भाई रिव्यू जब मैं बात कर रहा हूं तो सीनियर का रिव्यू मैनेजर का रिव्यू पार्टनर का रिव्यू और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक नॉन टीम मेंबर आकर बाहर का व्यक्ति देखता है मैंने काम बराबर किया ना उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंगेजमेंट की क्वालिटी बराबर है ना वो आके चेक करना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो दोस्तों रिसोर्सेज की स्ट्रेटेजी आएगी तो आपको एटीएम के बारे में बात करना पड़ेगा अमाउंट और एलोकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा टाइमिंग के बारे में बात करना पड़ेगा और आप लोगों को मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करना पड़ेगा आइए दोस्तों फिर तो मुझे जरूर बताना क्या स्पीड में आप लोग लेक्चर देख रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी की स्पीड और बढ़ानी चाहिए कि क्या करना चाहिए हर लेक्चर में आप जरूर बताइएगा हर लेक्चर में आप जरूर बताइएगा कि भाई कितने स्पीड से आप लोग देखते हैं ताकि मैं अपनी स्पीड को और बेहतर और जबरदस्त और जबरदस्त आपके लिए बना सकूं आइए व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में हमको बात करनी है दोस्तों क्या रिलेशन है? एकदम सिंपल सेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में दोनों के बीच में बड़ा प्यारा सा रिलेशन है बहुत ही ठीक है आइए दो बातों पे हमको ध्यान रखना है जनरली क्या होता है समटाइम्स क्या होता है देखिए जनरली पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है स्ट्रैटेजी बनने के बाद में उसके बेस पे ऑडिट प्लान बनता है ऑडिट ऑडिट प्लान इज अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कि कैसे हमको कोई भी ऑडिट का एक्टिविटी को परफॉर्म करना है कभी भी पहले स्ट्रैटेजी बदलती है और उसके बाद में प्लान बदलता है जनरली ऐसी चीजें होती है लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पहले प्लान बदलना पड़े उसके बाद में आप स्ट्रैटेजी बदले जैसे सपोज आपको किसी एरिया में डाउट था तो हम बोलेंगे कि आप पहले उस एरिया में दो लोग को लगाइए थोड़ा छानबीन करिए थोड़ा डेप्थ में जाइए देखिए कि आपका शक गहरा हो रहा है क्या आपको गड़बड़ के कुछ और एविडेंस मिल रहे हैं क्या और अगर उसके बेस पे फिर आप ऑडिट स्ट्रेटेजी को बदलोगे मतलब पहले आपने ऑडिट प्लान को बदला दोस्तों ऑडिट प्लान को बदला उसके बाद में स्टडी तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लान बदला फिर स्ट्रेटेजी बदली जो भी हो दोनों एक में से बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक के बदलने से दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर तो आपको बस दो ही बात समझानी कि जनरली पहले क्या बनता है बाद में क्या बनता है पहले क्या चेंज होता है बाद में क्या चेंज होता है कभी कभी कैसे प्लान बदलता है और फिर स्ट्रैटेजी बदलती है आपको उसके बारे में बात करनी है जो भी हो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर They're close related to each other. इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा ठीक है लव आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक्स और आप लोग शेयर करते हो अपने कलीग्स के साथ में अपने जूनियर्स के साथ में सीनियर्स के साथ में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर डालिए मैं देखता रहता हूं ठीक है मैं भी आपके कमेंट्स को लाइक लाइक और हार्ट देता रहता हूँ आइए दोस्तों ना अब हम बात करते हैं नाउ इफ वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट तो जब भी आपको ऐसा वर्ड आए मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट के बारे में पूछा जाए दोस्तों मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा जाए ठीक है कि भाई कब हमको चेंज करनी पड़ती है हमारी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ऐसा है कि स्ट्रैटेजी और प्लान बस एक बार बना लिया और पूरे ऑडिट में एज इट इज रहा ऐसा नहीं होता जैसे जैसे हमको नई जानकारी मिलती रहती है जैसे जैसे हमको नई जानकारी मिलती है हम स्ट्रेटेजी और प्लान को दोस्तों बदलते रहते हैं वी कीप ऑन चेंजिंग उसको बदलते रहते हैं नवंबर 19 आरटीपी का क्वेश्चन है कौला कोला क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांसेस है मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रैटेजी के बदलने के बारे में आइए तो आप बोलेंगे बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल आप बोलेंगे सबसे पहले ठीक है देखो तीन बातों पर आपको बात करनी है आपको तीन बातों बातें बात करनी है यहाँ पे मैंने तीन बातें लिखी हुई है और यही गुरु मंत्र है दोस्तों यही अमृत है ऐसे तीन बातें इस तीन बात पे बात पे करनी पहले आप यस ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान को समय समय पर बदलना रहता है एज वी गेट मोर इंफॉर्मेशन वी गेट मोर अपडेट इसको बदलते हैं तो ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कंटिन्यू जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेंगी वैसे उसको बदलते रहेंगे अब उसमें तीन फैक्टर्स तीन चीजें जब होती है तब जनरली जब तब जनरली ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान को बदला जाता है काउ फैक्टर्स काउ फैक्टर्स कंडीशंस

या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए आग लग गई मर्जर्स हो गए डीमर्जर्स हो गए जो हम सोच ही नहीं रहे थे तो ऐसे सिचुएशन में काउ फैक्टर्स कंडीशंस अगर बदल जाती है ऑडिट प्रोसेस के रिजल्ट्स अगर आपके अगर ऑडिट प्रोसेस के जो रिजल्ट्स है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को आपकी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी और आपके प्लान को बदलना पड़ेगा इसमें और एक चीज कहीं पर भी अगर ऐसा आपको दिखे कि रिस्क बढ़ रही है रिस्क बढ़ रही है आपको स्ट्रैटेजी में ऐसा दिखे कि आपको एरिया लेवल की किसी भी एरिया भी कोई भी रिस्क आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे ऐसे नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा हमको और मेहनत करनी पड़ेगी तो तीन बार में बात करिए बिल्कुल चेंजेस होते हैं चेंजेस होने चाहिए बिल्कुल सही बात है काउ फैक्टर्स ये तीन फैक्टर्स में आपको स्ट्रैटेजी और आपके प्लान को बदलना चाहिए कहीं पर भी अगर आप बड़ो, अगर आप आप बढ़ाओगे तो है ऐसे तीन आपके लिखे भाई तीन भी फोकस करूंगा। जब आप इस तरीके से भाई ये तीन फैक्टर्स करूंगा यही मैं फोकस करूंगा तो आप बहुत बढ़िया चौके छक्के मारोगे आइए एंगेजमेंट पार्टनर्स ये हितेश कपूर ऑफ कपूर एसोसिएट वेड टू डेवलप ऑडिट प्लान ऑफ संपूर्ण फैब्रिक डिस्कस द मैटर्स टू बी डिस्क्राइब इन ऑडिट प्लान ऑडिट प्लान में हम क्या करते हैं वो हमको बताइए ऑडिट प्लान में हम क्या करते हैं वो हमको बताइए बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों ऑडिट प्लान में हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अगर देखिए आपके पास में ये मैंने जो नोट्स में बार बार आपको बताता हूँ चार्ट वाले वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो उसकी सॉफ्ट कॉपी आप यूज कर सकते हैं आपके पास जो कॉन्सेप्ट बुक होगी उसको भी आप यूज कर सकते हो मुद्दे इंपॉर्टेंट है मुद्दों को अगर आपको पकड़ना लग गया है पकड़ने लग गए आपके तो बहुत बढ़िया या फिर फाडू चार्ट बुक चार्टुक चार्ट अगर आपको एक चाहिए तो फाडू चार्ट बुक है ठीक है अभी गिवे में चल रहा है तो वहां पर आप फाडू चार्ट बुक भी ले सकते हैं दोस्तों ठीक है लेकिन फाडू चार्ट बुक कब तक अवेलेबल रहेगी वो मैं आपको बोल नहीं सकता नाउ प्लान हम लोग प्लान क्या बनाते हैं दोस्तों हम लोग प्लान तीन चीजों के लिए बनाते हैं आपको बात करनी पड़ेगी कि हमको प्लान तीन चीजों के लिए हमको प्लान बनाना पड़ता है देखिए आइए हम लोग नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड वी मेक प्लान फॉर थ्री थिंग्स इसका मतलब सबसे पहले तो आप बताइए ऑडिट प्लान मतलब क्या ऑडिट प्लान मीन्स डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर ऑडिट एक्टिविटी ऑडिट एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना

डायरेक्टर से मिलने के लिए कब जाएंगे क्या सवाल पूछेंगे किस चीज पे फोकस करेंगे क्या क्या जानकारी लेंगे हमको इसका प्लान नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमको ये प्लान बनाना पड़ेगा पहला प्लान बनेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का रिस्क पता करने के बाद हमको नेचर टाइमिंग हमको डिटरमाइन करें नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर हमको ट करना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग अलग एरिया का कौन से कौन से से लोग करेंगे 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 कब करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें चेक करेंगे। हमको प्लान बनाना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर का फिर तो ये दो प्लान तो बनते ही बनते हर असाइनमेंट में पहला प्लान बनता है नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बनता है आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का हम डिटरमाइन करते हैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तीसरा जरूरत पड़ने पे और प्लान एक्सटेंड और तो हिसाब से और एक प्लान बनाना पड़ेगा अगर 510 लगता है इनिशियल में तो ओपनिंग बैलेंस के लिए और एक प्लान बनाना पड़ेगा इंटरलॉइटर पे भरोसा करने वाले तो 610 के लिए और एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा तो आपको तीन चीजों के लिए प्लान बनाना पड़ता है उसके बाद में और डिस्कशन करते बहुत सिंपल सा पहले कभी भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं उससे हमको कॉम्प्लिकेड एरियाज प्रेशर एरियाज जजमेंट वाले एरियाज मिलते हैं जजमेंट वाले एरियाज मिलते हैं वो जानकारी के बेसिस पे हम लोग अगली प्लानिंग करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में एक खास बात है बहुत सिंपल है अगर हमारे पास में बड़ी टीम है तो वी कैन परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑफ ऑल द आइटम साइमल्टेनियसली अदरवाइज हम लोग कुछ एरिया का फर्दर ऑडिट प्रोसेसर पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ एरिया का फर्दर ऑडिट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बाद में कर सकते हैं बिल्कुल पहले फिक्स एसेट पे ध्यान दे दिया फिर उसके बाद करंट एसेट्स पे आए फिर करंट एबिट पे गए फिर इनकम पे गए फिर एक्सपेंस पे गए एंड सो ऑन तो आप बताएंगे तीन तरह के प्लान होते हैं पहले क्या होता है बाद में क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ठीक है बहुत प्यारा सा हमारा ये भी हो गया है आइए तीन तरह के प्लान होते हैं May 22 RTP. 23, RTP के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों अब अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ये बड़ा प्यारी सी चीज है बहुत अच्छी चीज ये एप्लीकेशन में बड़ा बड़ा प्यारा 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 बहुत क्वेश्चन है ठीक है और ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन लेकिन आखिर में सेंटेंस अगर बराबर पढ़ोगे तो समझ जाओगे एक चार्ट अकाउंटेंट क्या बोलता है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग कंपनी के इंटरनल लीगल काउंसिल लॉयर के साथ में आराम से बैठे और उनको बहुत सारी बातें पूछे

क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या ऐसा पूछ रहे वापस फाइव जीरो exactly उनसे बात करते हम लोग इसको कहां इंक्लूड करते हैं प्लानिंग में इसको हम कहां इंक्लूड करते हैं इन अकॉर्डेंस विद एस एंड्रेड ये लाइन ने पूरा गेम बदल दिया अभी तक के जो बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था एस ए फाइव जीरो में हम लोग जो लिटिगेशन को चेक करते हैं उसके बारे में बात करें लेकिन ये लाइन ने पूरा गेम बदल दिया उनका कहना है ये ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है इकट्ठा की जा रही है उसके बेसिस पे रिस्क निकाला जा रहा है ये हमारे जो प्लानिंग प्रोसेस हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है ये चीज कहाँ पे इंक्लूड होती है तो हम बताएंगे ऐसे 300 के अंदर जब हम प्लान बनाते हैं तो हम लोग तीन चीजों का प्लान बनाते हैं पहला प्लान बनाते हैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दूसरा प्लान बनाते हैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तीसरा प्लान बनाते हैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं ये जो हम लोग सोच रहे हैं ये जाएगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बार बार बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग जानकारी इकट्ठा करना अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करना ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड एरियाज दिख सके जजमेंट वाले एरियाज दिख सके प्रेशर वाले एरियाज दिख सके ये एरिया आपको जब आपको नजर आएंगे इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे असेस कर पाओगे रिस्क ऑफ मटेरियल तो ये जो जानकारी इकट्ठा करने वाले प्लान बनता है उसका हिस्सा है ये. Of, बिल्कुल वर, वो तीन प्लान बताए तो, और बताया द अब प्रोसीजर यूज बाई सी प्लान फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये जो प्रोसीजर वो तय कर रहे हैं पार्ट ऑफ रिस्क असमेंट प्रोसीजर ताकि प्लान होता है, है, है। यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने का ये लोग बात कर रहे हैं ना दोस्तों ठीक है दैट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक बार क्वेश्चन देखा बनना चाहिए आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसी पे चीजें आएगी घुमा फिरा के टेंशन ना लो इसी चीज से कनेक्टेड चीजें आने वाली है कुछ लोग होते हैं जो बड़े खुश होते हैं सोचकर आगे बढ़ते और कुछ लोग होते भैया ये नहीं आता पता नहीं क्या क्या नहीं आता जितना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा जबरदस्त रहेगा आपकी एनर्जी बढ़ेगी आपकी एफिशियंसी बढ़ेगी और आप फोड़ने लगोगे आइए अगला क्वेश्चन ये भी स्टडी मटेरियल में आया हुआ दोस्तों स्टडी मटेरियल 23 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है ठीक है द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कितना हमको डायरेक्शन देना होगा कितना हम लोग कितना हम लोगों को डायरेक्शन देना कितना हम लोगों को डायरेक्शन देना होगा कितना हम लोगों को सुपरविजन करना होगा कितना हमको रिव्यू करना होगा ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो डीएसआर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आइए बहुत सिंपल सा डिपेंड करता है आपके ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके यहां पे शॉर्टकट है कार्ड्स कार्ड्स फैक्टर पे डिपेंड करना डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू की प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी यह फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंटिटी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा हमको सोचना पड़ेगा डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू के बारे में उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी एरिया ऑफ ऑडिट एरिया ऑफ ऑडिट जितना ज्यादा बड़ा है जितना ज्यादा बड़ा है जितना ज्यादा नया है उतना हमको ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी डायरेक्शन सुपरविजन डी एस आर की देन आर फॉर रिस्क रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जितना ज्यादा है गलती होने के चांसेस जितने ज्यादा है यहाँ पे वहाँ पे हमको डी एस आर की प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी टीम मेंबर्स की टीम मेंबर्स का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कॉम्फिडेंस मतलब नॉलेज और स्किल्स का लेवल कैपेबिलिटी मतलब टाइम टीम इक्विपमेंट उनके पास सब है क्या जितना इनके पास कॉम्फिडेंस और कैपेबिलिटी कम होगी उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है डीएसआर की प्लानिंग दोस्तों ज्यादा करनी पड़ेगी हमको डीएसआर की प्लानिंग हमको ज्यादा करनी पड़ेगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन के अंदर बहुत इश्यूज है गलत प्रोडक्शन हो रहा है डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है इन्वेंट्री ऑप्सिलिट बनती जा रही है इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन में हम लोग कैसे प्लानिंग करें कैसे एग्जीक्यूशन करें कैसे कंक्लूजन बनाए इसके लिए सीनियर की मदद हमको लेनी पड़ेगी डीएसआर हमको डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा करना पड़ेगा इस चीज के लिए क्योंकि टीम मेंबर्स बहुत नए हैं टीम मेंबर्स बहुत में एस स्टैंड फॉर साइज ऑफ द एंटिटी जितनी एंटिटी बड़ी होगी डीएसआर था लेट्स फ्रीज गाइज तो डीएसआर कम डीएसआर की प्लानिंग कम करना की ज्यादा करना डिपेंड करता है कार्ड्स फैक्टर पे सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा डीएसआर ज्यादा एरिया ऑफ ऑडिट जितना ज्यादा बड़ा डीएसआर ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मटर जितना ज्यादा उतना डीएसआर ज्यादा टीम मेंबर्स का कॉम्फिडेंस कैपेबिलिटी जितना कम होगा डीएसआर ज्यादा साइज ऑफ द दी जितना बड़ा होगा डीएसआर ज्यादा दोस्तों ठीक है अगर आप लोगों को लेक्चर में मजा आए तो जरूर जरूर सबसे शेयर करें और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे दोस्तों डालते रहिए रेगुलर बेसिस पे आप डालते रहिए दोस्तों आइए अरे वाह दोस्तों ऐसे एस, चैप्टर नंबर टू में दो पार्ट है एक है ऐसे थ्री हंड्रेड का और दूसरा ऐसे थ्री हंड्रेड के अलावा जितनी चीजें आती है हम लोगों ने उसको अदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डाल दिया है अदर कॉन्सेप्ट्स में डाल दिया है आइए उसके ऊपर हम लोग आते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स में अदर कॉन्सेप्ट में दोस्तों आते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या ऑडिट ऑडिट डिस्क्रीट फेज नहीं है यह डिस्क्रीट फेज नहीं है यह कंटिन्यूस और आइट्रेटिव कंटिन्यूस और आइट्रेटिव प्रोसेस है तो इसके बारे में आप बात करें ये डिस्क्रीट फेज नहीं है कंटिन्यूस और आइट्रेटिव प्रोसेस है ब्रॉडली इसके बारे में आप बात करें ऐसे ही बार बार पूछा हुआ है बार बार उसके बारे में पूछा है एक दो लाइन कम ज्यादा कम ज्यादा करते रहते क्वेश्चन में नीचे पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया प्लान शुड बी फर्दर डेवलप एंड रिवाइज एज नेसेसरी प्लान को डेवलप करते रहना चाहिए रिवाइज करते रहना चाहिए एज नेसेसरी यह भी एक पूछने का तरीका हो सकता है यह भी एक पूछने का तरीका हो सकता है दोस्तों आइए आप बड़ा प्यारा सा आपको मैं चार्ट बताता हूं जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे एकदम बढ़िया आपको मजा आ जाएगा आइए तो ये सिंपल सा चार्ट है और इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसके ऊपर एक केस स्टडी भी आ गई तो आपको आपको दोस्तों ठीक है एक ये भी मैं आपको बता दूं ऐसे थ्री हंड्रेड में टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं और आपकी बाकी जो ट्रेडिशनल थेरी है उसके अंदर देसी वर्ड यूज होते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है ओवरऑल ऑडिट प्लान ऐसे के अंदर टेक्निकल वर्ड होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी आपकी देसी ट्रेडिशनल जो होती है उसके अंदर इसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान दोनों की आत्मा सेम है ओवरऑल मतलब सेम है ऐसे तीन सौ में हम लोग ऑडिट प्लान हम वर्ड यूज करते हैं जो डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बनते हैं उसके लिए ऑडिट प्लान वर्ड हम लोग यूज करते हैं लेकिन देसी थेरी में हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑडिट प्रोग्राम अब आपको बस दो बात पे पहले आपको बताना ऑडिट शुरुआत में ऑडिट सिर्फ शुरुआत में होता है सिर्फ डिस्क्रिक्ट एक बार होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है वैसे ऐसे हम कंटिन्यूस कंटिन्यूस उसको इंप्रूव करते हैं हम स्ट्रेटी प्लान को इंप्रूव करते फिर एग्जीक्यूट करते उससे और जानकारी मिलती फिर वापस इंप्रूव uh, करते फिर एग्जीक्यूट करते इंप्रूव एग्जीक्यूट इंप्रूव एग्जीक्यूट हम करते रहते हैं इसलिए इसको कंटिन्यूस और रिपीटिव प्रोसीजर बोला जाता है पिछला साल खत्म होता है तब से हमारा ये शुरू हो जाता है कि अगले साल हम लोग क्या करेंगे और आखिरी में कंप्लीशन तक हम लोग सोचते रहते हैं और क्या बेहतर करना करके देखो और क्या बेहतर करना करके देखो ठीक है ऑडिटर तय करता है ऑडिटर तो तय करता है ये सारी इंपॉर्टेंट बातें वही तय करता है स्ट्रेटेजी वही तय करता है ओवरऑल ऑडिट प्लान और उसी के बेस पे ऑडिट प्रोग्राम बनता है तो आप पहले बताइए कि ये हाँ बिल्कुल सही वन टाइम एक्टिविटी नहीं है डिस्क्रिट फेज नहीं है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसके बारे में आप पहले ज्ञान बांट दीजिए फिर आप बताइए कि प्लानिंग करते वक्त कुछ चीजों के बारे में हमको केयरफुली सोचना चाहिए किस चीजों के बारे में कुछ चीजों के बारे में हम लोगों को हमको केयरफुली सोचना चाहिए एक्सपर्ट एल ठीक है एक्सपर्ट एल ठीक है हम लोगों को केयरफुली सोचना चाहिए एक्सपर्ट के लास्ट मिनट रिविजन ठीक है एक्सपर्ट के लास्ट मिनट रिविजन के बारे में तो हम लोग इसके अंदर प्लान करते वक्त हमको पहले केयरफुल देखना चाहिए कि इस असाइनमेंट के अंदर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी एरियाज है क्या जो हमारे नॉलेज के बियॉन्ड है और हमको एक्सपर्ट चाहिए तो स्टार्ट आपका प्लानिंग करते वक्त हमेशा एक्सपर्ट लगेगा नहीं लगेगा कब लगेगा कितने समय के लगेगा हमने इसका प्लान करना चाहिए एल सेंड फॉर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है लीगल कंपनी कौन से बड़े बड़े लॉ लगते हैं उन्हें कंप्लाई किया कि नहीं किया इसको लेकर भी हम लोगों को इसको लेकर भी हम लोगों ने प्रोग्राम कवर करना चाहिए प्रोग्राम की कि भाई कौन चेक करेगा लॉ का कंप्लायंस हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए तो जब हम लोग जब हम लोग ओवरऑल ऑडिट प्लान और प्रोग्राम बनाते हैं तब हम लोग एक्सपर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट कौन चेक करेगा उसके बारे में सोचना चाहिए एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी हमको आराम से बैठकर मटरिटी लेवल तय करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या मटरिटी लेवल होगा एरिया लेवल पे क्या मटरिलिटी होगा For risk आराम से के देखना चाहिए इंफॉर्मेशन आपके रिस्क करने के तीन तरीके होते हैं बहुत ही फेमस से ठीक है हमको तो पता है तीन तरीके होते हैं इंक्वायरी करके ढेर सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं एनिडिकल प्रोसीज कंपेरिजन पिछले साल से दूसरों से कंपेरिजन करके ढेर सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन से भी हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं लेट्स गाइज

यहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? कि एक एक है, एक फर्म फर्म है है वो डिफेंस इंडस्ट्री का ऑडिट करने का सोच रहे डिफेंस इंडस्ट्री का ऑडिट करने का सोच रहे डिफेंस में जाने का सोच रहे दोस्तों वो लोग तो अब वो डिफेंस में जाने का सोच रहे डिफेंस इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे उनको ऐसा लग रहा है कि डिफेंस की बहुत सारी बातें हमको पता नहीं होगी तो हमको एक टेक्निकल एक्सपर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ में रखने का रखना हम लोगों ने चाहिए द ऑडिटर रिकॉग्नाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड

एक्सपर्ट एग्जैक्टली exactly क्या काम करेगा ये सारी बातें हमको सोचनी पड़ती है ऑडिट प्लान बनाते वक्त तो इसको बोलते हैं केस स्टडी स्टडी ये नये में आया कि क्या एक्सपर्ट को रखना प्लानिंग का पोर्शन है यस yes. एक्सपर्ट को रखना नहीं रखना ये सोचना प्लानिंग का पोर्शन है प्लानिंग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट वही था दोस्तों बस एक पॉइंट को पकड़ के उन्होंने केस बना डाला और मैं आपको बता रहा हूं जितने कॉन्प्ट में आपको बता रहा हूं सब यही ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट के ऊपर चीजें रहेगी आर और अगर आपने ये अच्छे से किया है जीवन सफल है दोस्तों आर और ये आपने सही ऐसे किया है अगर ये भी आप कर लेते हो देखो सीए की पढ़ाई हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है एक चीज हम लोग करते हैं समय मिला तो और ऐड करते हैं जो लोग ये देख रहे हैं अभी यही देख लो समय बचेगा तो और ऐड कर लेंगे लेकिन उसको मोटा मोटी अच्छा कॉन्सेप्चुअली आप देखो क्योंकि आना इसी के ऊपर है बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछना है वो पढ़ने की आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने की आपके दिमाग में आदत होनी चाहिए अब आइए दोस्तों, ठीक है? वापस ये बड़ा प्यारा, बहुत मजा आया मेरे को बहुत मजा आया वापस इन्होंने ठीक है स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री के अंदर थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है एक बंदा है हमारा कार्तिक हमारा एक बंदा है हमारा कार्तिक और कार्तिक ने कार्तिक ने बोला कि पूरा ऑडिट का जो ऑडिट की जो प्लानिंग होती है बहुत सीक्रेट होनी चाहिए हाईली कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए इसके बारे में हमको मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं बताना चाहिए और एकदम सीक्रेट एक दिन अचानक ऑफिस पे जाता है और टेस्ट ऑफ़ कंट्रोल्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है उसने कभी भी नहीं बोला था क्लाइंट को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में अचानक जाता है और वहां पर जाता है ठीक है वहां पर जाता है अचानक कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है अब सवाल यह है कि ये पूरे प्लानिंग प्रोसेस को हाईली सीक्रेट रखता है बहुत ज़्यादा हाईली सीक्रेट रखता है और फिर अचानक एक दिन जाकर कर ये ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने लग जाता है क्या उसका अप्रोच सही है वेदर इज अप्रोच इज अप्रोप्रिएट और नॉट ठीक है दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं इसकी इसका जो सोर्स है मैं उसके बारे में आपको बता दूं मैं बोलूंगा आपने वो सोर्स लिखना चाहिए फिर आपने केस को डिस्कस करना चाहिए तीन सिंपल सिंपल बातें जब हम लोग प्लानिंग का काम करते हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर्स की की जो है टीम के वो सबसे साथ में मिलकर आके अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज शेयर करके ठीक है ओवरऑल ओवरऑल ऑडिट 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 आप और प्लान को बनाना चाहिए हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं वी कैन एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस ओवरऑल प्लान ओवरऑल प्लान ओवरव्यू ऑफ द प्लान विद द मैनेजमेंट नॉट द डिटेल्स एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं एक ओवरऑल प्लान प्लान के एलिमेंट्स बिल्कुल इससे क्या होगा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में मदद होगी कि भाई उस दिन तक वो लोग पूरी तैयारी करके रखेंगे आपको जाकर सिर्फ ऑडिट करना पड़ेगा ये डिस्कशन से ठीक है ये डिस्कशन से हम प्लान को और इंप्रूव कर पाएंगे उसको और अच्छा बना पाएंगे और इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर पहले से उनको इंटीमेट कर दे कि हम आने वाले ठीक है कभी कभी हम लोग सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं वो बिल्कुल बात सही है सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं हम लोग दोस्तों लेकिन यहाँ पे डिस्कशन करना चाहिए ठीक है लेकिन ओवरऑल प्लान डिस्कस भी किया थोड़ा बहुत तो भी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग की हमारी ही होती है यहां पर लेकिन ओवरव्यू डिटेल प्लान अगर आप शेयर करोगे तो पूरा सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा और सामने वाला पूरी प्लानिंग कर लेगा आपको बेवकूफ बनाने की आपका ऑडिट का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आप पहले बताएंगे बिल्कुल एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर आपने एंगेजमेंट पार्टनर सीनियर्स को इन्वॉल्व करके प्लानिंग करनी चाहिए एक छोटा मोटा डिस्कशन ओवरव्यू करना चाहिए और अल्टीमेट डिस्कशन कर भी लोगे अल्टीमेट जिम्मेदारी हमारी है इसके बाद आप केस को डिस्कस करना शुरू करोगे आप बोलोगे बिल्कुल इसने शेयर करना चाहिए था एक ओवरव्यू शेयर करना चाहिए था ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो अच्छे से एग्जीक्यूशन हो ऑडिट प्रोसीजर का डेफिनेटली डिटेल मत शेयर करो डिटेल ज़्यादा शेयर करोगे तो उसको सब पता चल जाएगा कब क्या चेक कैसे चेक करने वाले हो और वो पूरी प्लानिंग करके आपको बेवकूफ़ बनाएगा तो कार्तिक ने गलत किया कार्तिक ने बिल्कुल सीक्रेट रखा सामने वाले को बताया नहीं उसको तैयारी करने का मौका नहीं दिया ठीक है कभी कभार एक हद बार चलता है लेकिन ऐसा रेगुलर इसमें नहीं करना चाहिए रेगुलर इसमें आपने ओवरव्यू करना चाहिए शेयर ताकि अच्छे से प्लानिंग अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके एग्जीक्यूशन हो सको लेकिन डेफिनेटली डिटेल मत शेयर करना तो कंक्लूजन ये है छोटा मोटा शेयरिंग होना चाहिए हमेशा अच्छा होता है दोनों के लिए डिटेल शेयरिंग ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए बड़ा बढ़िया केस वाला है दोस्तों आंसर कैसे लिखना मैंने आर में आपको बताया था पहले ऐसे तीन की हेडिंग दूंगा मैं ऐसे तीन उसके बाद में उसका पूरा नाम

Definitely, detail बहुत ज़्यादा शेयर करने नहीं चाहिए तो जो भी हो कार्तिक का अप्रोच गलत है ऐसे आप हेडिंग देते दोस्तों एक हेडिंग मतलब तीन जब आप, एक, एक आप हो, तो तीन तीन कंज्यूम होती है और मानो नहीं मानो दोस्तों जब तीन लाइन कंज्यूम होती है तो सामने वाले के ऊपर बढ़िया इंप्रेशन आ जाता है ठीक है क्या क्वेरी है क्या क्वेरी है क्या क्वेरी है सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ग्रेट सर ये पीडीएफ डी कहाँ से मिलेगा देखिए ये तो क्वेश्चन बैंक है ये क्वेश्चन बैंक है ठीक है परम क्वेश्चन बैंक है दोस्तों परम क्वेश्चन बैंक परम क्वेश्चन बैंक का अगर परम क्वेश्चन बैंक बहुत ही फोर कलर बुक है सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप प्रिंट लेने जाओगे उससे कम खर्चे में आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी मिल जाती है परम क्वेश्चन बैंक की दोस्तों एट कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप ले सकते हो बाकी जो दूसरी पे पीडीएफ बता रहा हो ठीक है दूसरी जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूं वो तो मैंने लिंक दी हुई है दोस्तों और अगर आपको चार्ट भी चाहिए तो फाडू चार्ट बुक आप ले लीजिए फाड़ू चार्ट बुक गिव अवे प्राइस में मिल रही है बिल्कुल आइए सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना दोस्तों सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त कौन से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स का ख्याल रखें ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त कौन से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स का ख्याल रखें कौन से स्पेशल पॉइंट्स का ख्याल रखें ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त कौन से स्पेशल पॉइंट्स का ख्याल रखें कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का बार-बार देखो वही वर्ड वही वर्ड बार-बार कौन से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स का ख्याल रखें कौन से स्पेशल पॉइंट्स का ख्याल रखें ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ठीक है पॉइंट्स कैप्टन मैन ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम आइए बड़ा प्यारा सा आपको एक शॉर्टकट बड़ा प्यारा सा एक शॉर्टकट और आप लोगों को एक चार्ट में इसका भी देता हूं दोस्तों ठीक है

स्पेक्स पहन के आपके ऑडिट प्रोग्राम को आपने डेवलप करना चाहिए एस स्टैंड फॉर स्टे स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट आपको पहली क्लाइंट बोल चुका है कि आपको कौन से कौन से आपको हेड ऑफिस और कौन से कौन से ब्रांचेस चेक करना है प्लीज वही स्कोप में चलिए पहले ही बोल चुका है कि भाई आपको ऑडिट करने के लिए मैक्सिमम चार महीने मिलेंगे प्लीज वो चार महीने के अंदर चलिए स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन प्रोग्राम जब आप बना रहे हो तो स्टे विद इन स्कोप स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट पी स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स जहां जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है मतलब जहां जहां पे रिस्क है वहां वहां पे आपने ऑडिट प्रोग्राम को ज़्यादा रखना चाहिए ई स्टैंड फॉर एविडेंस आपने केयरफुली सोचना चाहिए हर एरिया में हर एरिया में इजीली अवेलेबल हाई क्वालिटी एविडेंस कौन सा है इजीली अवेलेबल हाई क्वालिटी एविडेंस कौन सा है और बराबर वो वो एविडेंस इकट्ठा करने के बारे में हर एरिया में आपने बताना चाहिए कि बेस्ट एविडेंस कौन सा है प्यारा एविडेंस कौन सा है कम से कम एफ़र्ट्स में अच्छा एविडेंस कौन सा मिल सकता है उसके बारे में आपने लिखना चाहिए हर एरिया में कि ये एविडेंस आप इकट्ठा करें सीन फाइन फॉर कोऑर्डिनेशन यहां पर आप जब प्रोग्राम बनाइए तो कोऑर्डिनेट करिए इस तरीके से आप बनाइए इस तरीके से आप बनाइए कि कोई काम आकर रुके नहीं जैसे डेटा चेक करने से पहले इट बहुत अच्छा होगा अगर आप क्रेडिट सेल्स और कैशअर बैंक चेक कर ले क्योंकि डेटर के अंदर बहुत सारी एंट्री आती है क्रेडिट सेल की और कैशअर बैंक की अगर ये आप चेक कर लोगे तो डेटा चेक करने में आपको आसानी जाएगी बड़े अच्छे से आप उसको चेक कर पाओगे ठीक है तो आप कोऑर्डिनेट करिए कि पहले कौन से एरिया बाद में कौन से एरिया ताकि कोई बीच में स्टक ना हो स्मूथली ऑडिट चलता रहे फिर अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग वेरिफिकेशन पर्पज इन द स्पेसिफिक सिचुएशन एक काम आप हमेशा ऑडिट प्रोग्राम में वही स्टेप्स यूज करिए जो बहुत काम के है वेरिफिकेशन के काम आने वाले कोई चीज चेक करने काम आने वाले जबरदस्ती की इधर उधर की इंफॉर्मेशन मत लीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल ये मशीन कितनी सीसी की है इसका टॉर्क कितना है शायद ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट करने काम नहीं आए बस वही स्टेप्स हमेशा कवर करने चाहिए जिससे हमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले काम की इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव थे वो हम कवर कर पाए बस उसी चीज़ को आप वही स्टेप्स को आपने कवर करना चाहिए तो स्पेक्ट्स स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन पॉसिबिलिटी ऑफ एयर्स को अच्छे से कवर करो बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा हर एरिया में आप बताइए कोऑर्डिनेशन पूरे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलो ताकि बीच में कभी रुकना ना पड़े और वही स्टेप्स लगाइए जो हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट है काम के है बाकी आजू बाजू की फालतू स्टेप्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आपको ठीक है मैं और एक काम करूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं ठीक है क्वेश्चन बैंक का तो पीडीएफ नहीं दोस्तों जो हैंड रिटन ये है शायद उसका प्रिंट नहीं निकाल पाओगे प्रिंट नहीं निकाल पाओगे दोस्तों ठीक है तो आप आपको ये जो मैं हैंड रिटन है मैं कोशिश करता हूं कि फोल्डर बनाकर मैं हैंड रिटन जहाज मार्किंग की है वो भी आपको मिल जाए आइए दोस्तों अगला मे ट्वेंटी थ्री एम टीपी मे ट्वेंटी थ्री एम और मे ट्वेंटी थ्री आरटीपी दोस्तों मे ट्वेंटी थ्री एम टीपी मे ट्वेंटी थ्री आरटीपी बरसात हुई है इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखो हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन बैंक में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ठीक है बेनिफिट्स क्या है ऑडिट प्लानिंग के और इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है अब आपको एक प्यारा सा चार्ट और एक प्यारा सा फ्लो बता रहा हूं कैसे आप याद सकते याद रख सकते हो एडवांटेजेस को भी आप कैसे याद रख सकते हो दोस्तों एडवांटेजेस को भी और डिसएडवांटेजेस को भी, भी. आइए दोस्तों आइए बहुत प्यारा पहले एडवांटेज की बात करो एडवांटेज की बात करो एडवांटेज की मैक्सिमम चीजें का फ्लो में याद कर लोगे दो चीजें आप दो सी में याद कर लोगे और फिर अदर्स आइए देखिए सबसे पहले अगर आप बहुत अच्छी प्लानिंग करो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ बहुत अच्छा आप प्लान बनाओ तो फिर आपको पूरा ऑडिट अच्छे समझ में आता है क्या काम करना है पहला एडवांटेज अच्छे से अगर आप प्लान बनाओगे तो असिस्टेंट के सिलेक्शन आपको बहुत मदद मिलती है सिलेक्शन ऑफ़ असिस्टेंट में कौन से असिस्टेंट होने चाहिए ये सिलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है दोस्तों फिर उसके बाद में अगर अच्छा सा प्लान है तो बहुत अच्छे क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप असिस्टेंट्स को देते हो उनको ऑडिट करने में बहुत हेल्प मिलती है तो अगर अच्छा प्लान बना हो तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट में मदद मिलती है सिलेक्शन के बाद में उनको इंस्ट्रक्शन देने में बहुत मदद मिलती है उनको ऑडिट करने में बहुत मदद मिलती है अच्छा सा अगर प्लान उनको बनाकर दे दो तो एरियाज की ठीक है तो ओवर लुकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं चीजें इग्नोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं चीजें छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनके ऊपर अपने आप अप ज्यादा ध्यान दिया जाता है उनकी अपने आप अप ज्यादा चेकिंग होती है और हम लोग टाइमली बेस पे पहले से ही टाइमली बेसिस पे आने 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 वाले प्रॉब्लम्स को आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले से सोच के उसको रिजोल्व हम लोग कर पाते हैं क्योंकि प्लान में हम लिखते हैं ये चीजें प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको ऐसे रिजोल्व करना तो आने वाले प्रॉब्लम पहले से हमको पता होते हैं और टाइमली बेस पे उसको रिजोल्व कर पाते देखो फ्लो में है अच्छा प्लान बना होता तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट में मदद होती है उनको इंस्ट्रक्शन देने में मदद होती है वो कभी ओवरलिकिंग नहीं करते हैं इंपॉर्टेंस है। है है, कैसे उनको रिजोल्व करना एक फ्लो में एक सीक्वेंस में दोस्तों ये फिर दो सी कोडिनेशन अच्छे से अगर आपका प्लान बना हुआ है तो आपको पता है कि आप कब कब क्या काम करने वाले हो इसके बेस पे आप लोगों से बात कर सकते हो ब्रांच ऑडिटर से बात कर सकते हो तेरी रिपोर्ट कब चाहिए आप सब्सिडी के ऑडिटर से बात कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर से बात कर सकते हो कि उनसे हमको कब कब क्या चाहिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका काम कब कब कैसे कैसे हो रहा है तब जाके आप दूसरों से आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे और आप अपने कंट्रोल भी कर सकते हो आप देख सकते हो प्लान के साथ चीजें हो रही कि नहीं हो रही नहीं हो रही है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो ज्यादा लोगों को लगा सकते हो अगर आपको लगता है बहुत फास्ट जा रहा है चीजों को स्लो डाउन कर सकते हो तो अगर आपका प्लान बना हुआ है तो कोऑर्डिनेशन में मदद होगी और चीजों को कंट्रोल करने में मदद होगी दोस्तों अदर्स में अगले साल ये बहुत कलाम आएगा सक्सेडिंग में और कोई आपको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता तो आपके आधे पॉइंट्स फ्लो में हैं देखो समझना तो आसान है कला है याद रखने की अगर इस तरीके से आप याद रखोगे बहुत याद रहेगा आधे पॉइंट्स आपके फ्लो में है फिर दो सी की हम लोगों ने बात की है फिर अदर्स की हम लोगों ने बात की है ठीक है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से हम लोग प्लान रेडी किया हुआ है आर आर मात्र घंटे घंटे के अंदर स्पीड बढ़ाओगे तो और भी कम टाइम में देख लोगे ये भी आपका घंटे घंटे के के ये भी और के अंदर इस बार जो आपको तीन दिन की छुट्टी दोस्तों अगर आपने दो सीरीज देख ली रैपिड रिविजन फोर पॉइंट अगर आप लोगों ने देख लिया और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने देख लिया भाई जिंदगी सफल हो जाएगी और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको ठीक है डेढ़ दिन लगेगा डेढ़ दिन के अंदर ये दोनों चीजें आप स्पीड बढ़ाकर कवर कर लोगे आपकी जबरदस्त रिवीजन हो जाएगी बाकी डेढ़ दिन में आप और इसको कितना और बेहतर कर सकते हैं आप जरूर करिएगा तो जबरदस्त चीज है आपके आरआरसी 20 घंटे में है ये भी आपका बहुत कम घंटों में रहने वाला है डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग देखो डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग के ऊपर केस है दोस्तों डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एमआरआई इज अ डिसएडवांटेज मैकेनिकल कोई लोग बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे प्लान को एग्जीक्यूट करते मैकेनिकल तरीके से दिमाग भी लगाते नहीं है बस लिखा है मैच करो मैच कर दिया मैच हो तो हाँ ना तो ना सोचते भी नहीं है उसके बारे में लोग मैकेनिकल हो जाते हैं बहुत सारे लोग रिजिड हो जाते हैं जितना बोला है उतना ही बोले ठीक है लोग मैकेनिक बिना सोचे समझे काम करते हैं लोग रिजिड हो जाते हैं जितना बोला उतना ही करना है अरे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बारे में नहीं लिखा है चेक नहीं करूँगा इनएफिशंट असिस्टेंट जो काम अच्छे से करना नहीं चाहते हैं ठीक है उनके लिए प्लान बहुत अच्छी चीज है बस प्लान में जितना उतना मैं करूंगा उसके आगे मैं नहीं करूंगा इन एफिशियंट प्लान की आड़ में कम काम करते हैं गलत काम करते हैं काम चोरी करते हैं जो इनिशिएटिव लेने वाले एफिशिएंट लोग हैं ठीक है थीके, बेचारे उनका उनको बार बार डांटा जाता है और बोला जाता है जब प्लान में लिखा नहीं हो तो इसको परफॉर्म क्यों कर रहा है वाई आर यू परफॉर्मिंग इट तो दोस्तों ठीक है लोग मैकेनिकल हो जाते हैं ये डिसएडवांटेज है रिजिड इनफ्ल बिना रिजिड हो जाते हैं यही करना है बस इसके आगे नहीं सोचना है ये प्रॉब्लम है इन असिस्टेंट इसके मदद लेकर काम चोरी करते हैं असिस्टेंट जो जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको डाटा आता है धमकाया जाता है प्लान के बेसिस पे है ये डिसंटेज है ठीक है अगर हम लोगों को बोले बिल्कुल घबराओ मत टेंशन मत लो ओपन माइंडेड से अच्छे से सोचकर काम करो ठीक है तो ये डिसएडवांटेजेस को दूर किया जाता है अगर हम लोग को एनकरेज करेंगे आइए बात चीजों को समझिए ओपन माइंड रखिए फ्लेक्सिबल बनिए चेंजेस करना है चेंजेस करिए एडिशन करना है एडिशन करिए सीनियर से डिस्कशन करना है डिस्कस करिए तो डिसएडवांटेजेस को दूर किया जा सकता है दोस्तों अब देखिए इसके ऊपर केस स्टडी है इसके ऊपर केस स्टडी है ये तो आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं दिस इज गोइंग टू कम इन एमसीक्यू ऑल्सो Now, ये देखिए केस स्टडी ये आपके स्टडी मटेरियल में और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है मैंने आपको बोला था एक घंटे के अंदर हो जाएगा एक घंटे के अंदर हो जा रहा है दोस्तों ठीक है नाउ लिसन एक बंदा है एक बंदा है आपका आर्टिकल है वो ऑडिट कर रहा है और उसका काम था सेल से रिलेटेड चीजों को चेक करना वो ऐसा देखा उसने ऐसा देखा कि ई वे बिल बन रहा है और 24 घंटे के अंदर कैंसिल बहुत बार ऐसा हो रहा है ई वे बिल बना कैंसिल हो गया ई वे बिल बना कैंसिल हो गया ठीक है वो भी खासकर इन द मंथ ऑफ मार्च ऑडिट प्रोग्राम में ई वे बिल उसके कैंसिलेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसने बोला जब ऑडिट प्रोग्राम में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं परफॉर्म क्यों करूँ इसको क्यों करूं इसको क्या ये रोहित का एटीट्यूड सही है आपको लिखना पड़ेगा आपको डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को समझाना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऑडिट प्लान में और प्रोग्राम में डिसएडवांटेजेस होते हैं दोस्तों एम आर आई लोग मैकेनिकल होते हैं बिना सोच समझ के काम करते हैं रिजिड इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं इनएफिशिएंट लोग इसकी मदद से इसकी मदद से काम चोरी करते काम नहीं करते जो एफिशिएंट लोग हैं उनका इनिशिएटिव कम हो जाता है उनके एफर्ट्स कम हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स है ये जो रोहित कर रहा है दिस ये जो रोहित कर रहा है दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम ठीक है अगर टीम को बोला जाता है ओपन माइंडेड रहो फ्लेक्सिबल रहो चेंजेस करने इंक्रीज करने बिल्कुल करो आकर डिस्कस करो सीनियर से तो डिसएडवांटेज दूर हो सकते हैं जो ये जो रोहित का एटीट्यूड है ये जो रोहित का एटीट्यूड है कि उसको एक अजीबो चीज़ दिख रही है फिर भी वो चुप बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है और बोल रहा है ऑडिट प्रोग्राम में ये दिखाता है कि रोहित बहुत इनफिशियंट है रोहित ही डजन वॉन्ट टू वर्क ही डजन वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स ही डजन वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर दिसड और एरर तो रोहित का जो एटीट्यूड जो अप्रोच है वो बिल्कुल गलत है पहले आप डिसडवांटेजेस को समझाओगे पॉइंट नंबर वन ठीक है फिर आप बताओगे कि भाई डिसएडवांटेज दूर करने के लिए सबको इनकरेज किया जाता है हाउ टू रिड्यूस डिसएडवांटेज फिर आप केस को डिस्कस करोगे और आप बोलोगे रोहित इनफिशेंट बंदा है ठीक है वो काम नहीं करना चाहता है काम की चोरी करना चाहता है ये साफ साफ दिखर के आ रहा है उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है बढ़िया प्यारा केस था दोस्तों इस बार के स्टडी मटेरियल में आपको ऐसे प्यारे प्यारे केसेस और मैं आपको बता रहा हूँ इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों Guys, इसके साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया आपका चैप्टर नंबर टू हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर वन खत्म किया था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू खत्म कर दिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हर रोज हम एक चैप्टर करने वाले हैं कल भी हम लोग एक चैप्टर करेंगे और अब हम लोगों ने शुरू कर दिया वन टू कल हमारा चैप्टर नंबर थ्री होगा दोस्तों ठीक है चैप्टर नंबर थ्री होगा दोस्तों और वो थोड़ा लंबा चलेगा वो थोड़ा लंबा चलेगा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा लगभग उसके अंदर आज तो हम लोगों ने पंद्रह क्वेश्चन किए उसमें लगभग तीस पैंतीस क्वेश्चन है दोस्तों तीस पैंतीस क्वेश्चन है तो कोई नहीं ढाई घंटे लगेंगे उसको ढाई घंटे कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर नंबर थ्री का आप अगर रैपिड रिविजन देख सको चैप्टर नंबर थ्री का तो बहुत बढ़िया नहीं देखोगे तो भी चलेगा देख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा तो चैप्टर नंबर वन हो गए चैप्टर नंबर टू हो गए और आज शाम को मैं

चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर नाइन लेटेस्ट वीडियो में जाओगे अभी अभी हम लोगों ने उसको रिलीज किया हुआ है ठीक है ओके दोस्तों बाय 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 अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए और जितने चाहे उतने दोस्तों से कलीग से सीनियर से जूनियर से सबके साथ में शेयर करिए बस गुरु दक्षिणा में मैं इतना ही मांग रहा हूं आपसे बाय बाय एवरीवन